दोस्तों इस वीडियो में आप ऐसे अजीबोगरीब गांव के बारे में जानने वाले हो कि आपके होस्ट उड़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री में दूध दही। जी हां दोस्तों, आज के दौर में जहां लोग किसी को अक्सर पानी के लिए भी नहीं पूछते, वहीं यह गांव ऐसा गांव है जहां के लोग कभी दूध या उससे बनी चीजें फ्री में दे देते हैं। पर किसको? दरअसल ये लोग उन्हें देते हैं जिनके पास गाय भैंस नहीं है। जी हां दोस्तों, यह अनोखा गांव है, गुजरात में बसा धोखड़ा गांव, गजब का गांव है ना। यहां के लोग बड़े ही मिलनसार होते हैं जो कि अपने किसी पड़ोसी या फिर गांव वाले को फ्री में दूध दही दे देते हैं। एक बार फिर से उस गांव का नाम सुन लीजिए, गुजरात में बसा धोखड़ा गांव, टमाटर वाला गांव। यूपी का एक गांव सलारपुर खालसा है जो कि अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड का एक छोटा सा गांव है। इस गांव की पॉपुलैरिटी का कारण टमाटर है। जी दोस्तों, यहां बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की जाती है। सलारपुर खालसा की जमीन पर पैदा हुए टमाटर भारत देश के कोने कोने में जाते हैं। देखिए कहीं आपके किचन में यही टमाटर मिल जाएंगे, हो सकता है आपके किचन में यही टमाटर आता हो। सबसे शिक्षित गांव। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति या लड़के लड़की नहीं है जो कि पढ़े लिखे ना हो। अलीगढ़ का धैर्य माफी गांव सबसे शिक्षित गांव के रूप में जाना जाता है। साल 2008 में इसे सबसे शिक्षित गांव के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिल चुकी है। कहा जाता है कि इस गांव के हर गली मोहल्ले में आपको प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और NRI मिल जाएंगे। गांव के कई लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU में प्रोफेसर भी और डॉक्टर भी है। संस्कृत बोलने वाला गाँव। यहाँ तो यहाँ के सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। कर्नाटक के सीमांगा शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है मुत्तुरु और होसाहल्ली गाँव। तुंग नदी के किनारे बसे इन गाँव में प्राचीन काल से ही संस्कृत बोली जाती है और खास बात तो यह है कि यहाँ रहने वाली लगभग 90% आबादी संस्कृत में ही बात किया करती है। क्या आपको इस गांव के बारे में पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताना। और आपको इस गांव के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना भाई। जुड़वा लोगों का गांव। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जुड़वा लोगों का गांव केरल के मल्लपुर जिले में स्थित कोडी नहीं गांव जुड़वा के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर वर्तमान में 400 से भी ज्यादा जुड़वा जोड़े रहते हैं जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक भी शामिल हैं। दुनिया भर में हर 1000 बच्चे पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो यह औसत 4 से भी कम है। लेकिन विडंबना देखिए, कोडी नहीं गांव में हर 1000 बच्चे पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में यह पहले नंबर पर आता है। इस गांव के बारे में आपको जानकर कैसा लगा? बेटी के जन्म पर पेड़ लगाना। जी हां दोस्तों, बिहार के धरहरा गांव में बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। यहां अगर किसी परिवार में लड़की जन्म लेती है तो परिवार के सदस्यों द्वारा 10 पौधे लगाए जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। इतना ही नहीं बल्कि बेटियों के जन्मदिन पर पेड़ों का भी जन्मदिन मनाया जाता है। धरहरा गांव की आबादी लगभग 5000 की है और कई सालों से यहां के लोग इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। पेड़ों पर लगने वाले फल गरीब बेटियों की शिक्षा, विवाह और इनकम का जरिया भी है। अगर आपको इस गांव के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। एशिया का सबसे बड़ा गांव। यूपी के गाजीपुर का गांव गहमर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव की खासियत यह है कि इस गांव के हर परिवार का कोई न कोई मेंबर इंडियन आर्मी में है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो या 1965 या 1971 की युद्ध या फिर कारगिल का युद्ध, इन सभी लड़ाई में यहां के फौजियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कहा जाता है कि गांव के लगभग 10,000 लोग भारतीय सेना में जवान से लेकर कर्नल तक हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं। रिकॉर्ड के अनुसार 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान यहां 24,734 मतदाता यानी कि वोटर्स मौजूद थे। ये तो 2009 की बात, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे है ना। अब मैं जो फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ ये बोनस फैक्ट है मेरी तरफ से। भारत की लड़की ने बनाया रिकॉर्ड। यह दोस्तों इंदौर MP की 6 साल की जियाना शाह ने अक्टूबर 2021 में 9 मिनट 31 सेकंड में 195 देशों की जानकारी देकर अपने नाम 3 खिताब हासिल किए। पहली वर्ग में पढ़ने वाली और इन रिकॉर्ड को दर्ज करने वाली पहली बच्ची है जिसने 6 साल की उम्र में 195 देशों के बारे में बताया। जियाना ने न सिर्फ देशों की राष्ट्रीय ध्वज को पहचाना बल्कि देश का नाम, राजधानी, मुद्रा, भाषा, देश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल या लैंडमार्क और महाद्वीप के बारे में बताया। सबसे बड़ी ड्रॉइंग कोरोना काल में उदयपुर राजस्थान के एक कलाकार ने जिनका नाम रवि सोनी है, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसा करके उन्होंने इटली के कलाकार के सबसे बड़े चित्र के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रवि सोनी द्वारा बनाई गई ड्राइंग का साइज 6781 वर्ग फीट है जो ट्री फॉर लाइफ की थीम पर आधारित है। रवि ने कल्प वृक्ष के पेड़ से प्रेरित होकर अपनी ड्राइंग का विषय जीवन का वृक्ष रखा। 26 नवम्बर 2021 को शहर के महाराणा भोपाल स्टेडियम में बास्केटबॉल मैदान में अपनी ड्राइंग बनाई, अपनी ड्राइंग बनाने का काम शुरू किया और 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 30 नवम्बर 2021 को उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग पूरी की। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रेस्टोरेंट बनाकर बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शंघाई में बने शंघाई टावर की 120वीं मंजिल पर ये होटल बनाया गया। इस होटल में बना जीन रेस्टोरेंट जमीन से 556.36 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इससे पहले दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने रेस्टोरेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई के एटमोस्फियर होटल के नाम था। इसकी ऊंचाई 441.3 मीटर है। इसे साल 2011 में बनाया गया था। इस होटल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।